हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं अगेन एक रक्षाबंधन मेकअप लुक लेकर के आई हूँ और ये होने वाला है मैरिड गर्ल्स और मैरिड वुमेंस के लिए। और इस मेकअप लुक को कोई अगर नई नवेली दुल्हन है जिनकी ये पहली राखी है तो वो इसे इजीली अचीव कर सकती है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप क्रश लिप बाम इन द शेड ब्लूबेरी और इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। मैं अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट प्राइमर अप्लाई करूँगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट मेकअप असेंशियल्स का 3-in-1 प्राइमर जो कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है और आपके बेस को या आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का ये फाउंडेशन और इसमें जो मेरा शेड है वो है 128 वॉर्म न्यूड जो कि मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छे से मैच करता है। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद इसे मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी या स्प्रेड कर लूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का ये कॉम्पैक्ट और इससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मेरे फेस जो मेरा फाउंडेशन मैंने जो अप्लाई किया है वो बिल्कुल भी पैची ना लगे। और ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट है बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे अच्छे से सूट हो गया है। इसे मैं अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का कंसीलर और इसमें मेरा शेड है 10 लाइट। इसलिए मैं अपने हाइलाइटेड जो एरियाज़ है जिन्हें आपको हाईलाइट करना होता है अपने फेस पे वहाँ पर अप्लाई करूँगी। अंडर आइज़ पे, आईलिड पे और जो इनर कॉर्नर्स है वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी पिगमेंटेशन दिखती है। और नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड, साइड ऑफ द लिप्स और नोज़ के साइड में भी मैं अप्लाई कर लूँगी। और इसे अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लेक्मे का रोज़ पाउडर, इससे मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आज हेवी मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैं एक जो लूज़ पाउडर होता है उसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये मेरे फेस को एक अच्छा सा शेप दे देगा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ निका के का आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ये एक पिंक शेड ले रही हूँ और इसे अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडिंग ब्रश। सेम आई शेडो को मैं अपने आउटर वी पर सर्कुलर मोशन में इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे आउटर वी में एक अच्छी सी डेप्थ मिल जाए और मेरा जो आउटर वी है थोड़ा सा शार्प लगे। उसके लिए मैं आउटर वी पर सर्कुलर मोशन में इस तरह से आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, यहाँ पर अब मैं मीलिन का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये एक शिमरी आई शेडो पैलेट है और उसमें से मैं पिंक शिमरी काइंड ऑफ शेड है उसे अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। Thank you.
अब मैं दोनों शेड जो है, जो शिमरी और मेट शेड है, दोनों को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे और हमारा जो आई शेडो है वो अच्छे से उभर के आए। ओके, जो हमने लूज पाउडर लगाया था उसे हम डस्ट आउट कर लेंगे और ये लैक्मे का जो रोज़ पाउडर है इसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ये इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो फॉल आउट होता है इसमें से। ओके, सेम शेड लूँगी मैं और इसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर और इसे मैं थोड़ा सा थिक अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पर प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ। ये बेस्ट काजल है, अभी तक मैंने जितने भी काजल यूज़ किए उनमें से ये बेस्ट काजल है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हाँ एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो यू विल बी सॉर्टेड। ओके, अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर वेगा का आईलैश कर्लर और इसकी हेल्प से मैं अपने आईलैश को कर्ल कर लूँगी। आईलैश को कर्ल करने से ना एक बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है आपके आईलैशेस में और आपकी जो आईज़ है वो थोड़ी सी बिगर लगने लगती है और आप मस्कारा अप्लाई करते हैं तो उससे और भी आईलैश को कर्ल करने के बाद अगर आप मस्कारा अप्लाई करते हैं तो और भी सुंदर लगने लगती है आपकी आईज़। सॉरी, मैं यहाँ पर मस्कारा बताना भूल गई, यहाँ पर मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपने अपर लैशेज और लोअर लैशेज दोनों में अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लश, जो कि बहुत ही प्यारा सा कोरल काइंड ऑफ शेड है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है आपके फेस पे और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है आपको ये। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट, जिसमें से मैं ये ऑरेंजिश ब्राउन काइंड ऑफ शेड पिक कर रही हूँ और इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ब्रॉन्जर या कॉन्टोर नहीं है, इसीलिए मैं इस पैलेट से यूज़ कर रही हूँ इसे। अब मैं इसे अपनी नोज़ पे, अब मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। सेम पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, जिससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। आईब्रोज़ को फिल करने से ना आपका लुक बहुत डिफरेंट हो जाता है, मतलब अगर आप एक हैवी मेकअप लुक कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपको अपने आईब्रोज़ को फिल करना चाहिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यार, जैसा कि आप डिफरेंस देख सकते हैं अभी मेरी आईज़ में, सॉरी मेरी आईब्रोज़ में। सो आपको आईब्रोज़ को फिल करना चाहिए। ओके, अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, जो कि बहुत ही प्यारा मेटेलिक रोज गोल्ड शेड है ये, और हाइलाइटर इज़ माय फेवरेट पार्ट, मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है हाइलाइटर। सो या इसे मैं अपनी चिक बोन्स पर, ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़,
और क्यूपिड बो चिन एरिया फॉरहेड पे अप्लाई कर लूंगी। अब मैं इस हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर्स में भी अप्लाई कर लूंगी। इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर अप्लाई करने से ना आपके आईज को या आपके आई शेडो जो आपने अप्लाई किया है उसे एक अलग ही लुक मिल जाता है और ये आपके आई मेकअप को कंप्लीट करता है। तो ये आपको अपने इनर कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर अप्लाई करना है। अब मैं अपनी ब्रो बोन पर भी हाइलाइटर को अप्लाई कर लूंगी। कर रही हूँ आई थिंक ये मियोन की लिपस्टिक है बिकॉज मैंने इसे 2 से 3 साल पहले परचेज किया था और मैं भूल चुकी हूँ कि ये कौन सी लिपस्टिक है और इसके ऊपर से जो इसका टैग था वो भी हट चुका है। मैं श्योर तो नहीं हूँ बट हाँ ये शायद से मियोन की लिपस्टिक है। इतनी कुछ खास नहीं है बट इसका जो शेड है वो बहुत ही प्यारा बहुत ही प्रिटी पिंक शेड है। तो आज मैंने क्योंकि पिंक आई मेकअप किया है तो मैंने सोचा चलो इसी लिपस्टिक को अप्लाई कर देते हैं। ये ना ये लिपस्टिक आपकी लिप्स को क्रैकी बना देती है, बहुत ही यू नो फटे फटे लिप्स नज़र आएंगे इसमें आपके। तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी इस लिपस्टिक के लिए आपको। आई थिंक मैंने 300 रुपीज़ में इस लिपस्टिक को लिया था और 300 में इतनी वाहियात लिपस्टिक मिली है मुझे। ओके अब मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर कम लग रहा है इसलिए मैं फिर से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ओके अब मैं अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए एक बिंदी अप्लाई कर लूंगी। अब मैं पहन रही हूँ अपने इयररिंग्स और मैंने एक छोटा सा बहुत ही डिसेंट सा नेकलेस पहना है। नेकलेस नहीं बोल सकते हैं, ये एक पेंडेंट काइंड ऑफ यू नो चेन और नेकलेस है। ओके मैं फॉल्सेस अप्लाई करना भूल गई थी तो ये थोड़ा सा हैवी मेकअप है इसलिए मैंने सोचा चलो फॉल्सेस अप्लाई कर लेते। मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर ली। अब मैं डाल रही हूँ अपनी बैंगल्स और मैंने ये एक रिंग पहन ली है। अब मैं बहुत ही बेसिक सी एक हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ, सिर्फ एक बन बना रही हूँ, मैं लो बन बना रही हूँ यहाँ पर। ओके सो आई एम डन विद माई मेकअप और हेयर स्टाइल भी हो चुकी है। सो या आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आया है देन मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक शेयर और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज टेक केयर।